हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक विद जीजी में। दोस्तों, अगर आप क्वीन ऑफ हिल्स जाने की सोच रहे हैं या अगर आप शिमला जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 डेज के लिए शिमला का प्लान। मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, आपको कौन कौन से अट्रैक्शंस देखने चाहिए। इस प्लान को समझ लेने के बाद दोस्तों, आप शिमला बहुत अच्छे से घूम पाएंगे, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि शिमला पहुंचे कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बाय रोड जा सकते हैं चंडीगढ़ से या दिल्ली से, और दूसरा ऑप्शन है कि आप कालका से बाय ट्रेन जा सकते हैं। यहां पर दोस्तों, कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है जो कि माउंटेन्स पे चलती है, तो एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस होगा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आप शिमला पहुंच गए 3-4 बजे तक दोपहर में, चाहे आप बाई रोड जाइए या टॉय ट्रेन से आइए, अगर आप 3-4 बजे तक शिमला पहुंचते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप थोड़ा बहुत थक चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स में ट्रेवलिंग इतनी ईजी नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने होटल जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए 1 आवर 2 आवर के लिए, और चूंकि आप थक चुके हैं इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहां पर 2 चीजें। पहली चीज दोस्तों, कि आप अपना होटल मॉल रोड के पास ही लीजिए। दोस्तों, 3 डेज के लिए आप अपना होटल मॉल रोड के पास ही लीजिएगा। इसका कारण यह है कि मॉल रोड सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर, और सारी जगहें जो है वो मॉल रोड के आसपास है। और मॉल रोड में अगर आप कहीं दूर से भी घूम कर आते हैं तो शाम को मॉल रोड के पास जाकर आप रिलैक्स हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपका होटल मॉल रोड के पास रहेगा, क्योंकि सबसे बढ़िया जगह शिमला की मॉल रोड ही है। और दोस्तों, दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बोला कि आप ऑलरेडी बहुत थक चुके होंगे ट्रैवल करते हुए, तो दोस्तों शाम को जब आप होटल से निकलें 6 बजे के आसपास मान लीजिए, तो आप सिर्फ मॉल रोड को ही घूमिए उस दिन। दोस्तों, मॉल रोड बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के ऑप्शंस हैं। दोस्तों, यहाँ पर गाड़ियां अलाउ नहीं होती हैं, तो आप बड़े आराम से वॉक करते हैं, बेसिकली ये वॉक करने के लिए ही जगह है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग के ऑप्शंस भी हैं, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए बोलूं मैं, स्कैंडल पॉइंट है, और दोस्तों यहाँ पर कालीबारी टेम्पल है। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी फोटोज ले सकते हैं और खा पी कर अपना टाइम बिता सकते हैं। इतनी बढ़िया जगह है दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 to 3 आवर्स आपके कैसे बीत गए। नाउ फिर आप अपने होटल चले जाइए जो कि मॉल रोड के पास में ही होगा, और आप रिलैक्स करिए क्योंकि नेक्स्ट डे आपको बहुत सारी जगहें कवर करनी है। दोस्तों, नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठकर कोशिश करिए कि 8:30 तक ही आप निकल जाएं होटल से, और आप चले जाइए द रिच। तो दोस्तों, वहां पर रिच में 2 to 3 आवर्स आप टाइम स्पेंड करिए। दोस्तों, द रिच बहुत ही एक फेमस जगह है, वहां से माउंटेन्स के व्यू बहुत ही प्यारे हैं। दोस्तों, अगर माउंटेन्स देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, फोटोग्राफी करना बहुत बढ़िया लगता है, तो दोस्तों ये आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन होगा। दोस्तों, द रिच घूम लेने के बाद 1 आवर 2 आवर जितना भी आपका मन करे, उसके बाद दोस्तों आप ट्रैकिंग करते हुए, माउंटेन ट्रैकिंग करते हुए चले जाइए झाखू टेम्पल। दोस्तों, वहां से जस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है द रिच से, तो आप झाकू टेम्पल जाइए जहां पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू है, तो काफी प्यारा टेम्पल है, उसको आप इंजॉय करिए। और उसके बाद झाकू टेम्पल से ही 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, जस्ट 1 आवर का आप बोल सकते हैं टाइम लगेगा, आप निकल जाइए समर हिल। दोस्तों, समर हिल बहुत ही प्यारी जगह है, यहां पर आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, माउंटेन्स व्यू देखने को मिलेंगे, और दोस्तों समर हिल में चैडविक फॉल है जो कि बहुत ही प्यारा फॉल है, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छी फोटोज आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, समर हिल के पास ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति निवास। दोस्तों, ये ब्रिटिश के टाइम की बिल्डिंग है, काफी प्यारी बिल्डिंग है, उसे भी आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, समर हिल आपका पूरा का पूरा हाफ डे ले लेगा, तो यहां पर आपका दिन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप वापस आ रहे हैं तो दोस्तों, जब आप द रिच पहुंचेंगे वापस में आते टाइम, तो दोस्तों आप जरूर द क्राइस्ट चर्च भी इंजॉय करिए, जो जो कि आपका द रिच में ही है। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा चर्च है, और क्राइस्ट चर्च इंजॉय कर लेने के बाद आप वापस आ जाइए अपने होटल। तो इस तरीके से आपका D2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज आपने द रिच घुमा, द क्राइस्ट चर्च घुमा, और आपने द समर हिल घुमा, और उसमें आपने चैडविक फॉल देखा, ठीक है। तो D2 जब आपका कंप्लीट होगा, अगर आपके पास थोड़ी बहुत एनर्जी बची है, तो आप वापस से मॉल रोड जा सकते हैं,
क्योंकि आपका होटल ही वहीं पर है, तो आप फिर से स्ट्रीट में वॉक कर सकते हैं, आपको काफी बढ़िया लगेगा। दाओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं डे थ्री। दोस्तों यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आउटसाइड शिमला जाइए, ठीक है। आप जा सकते हैं दोस्तों कुफरी। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा प्लेस है, जो भी बंदा शिमला जाता है वो कुफरी जरूर जाता है। तो जस्ट 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है शिमला से, आप बोल सकते हैं 1 आवर, 1.5 आवर आपको लगेगा शिमला टू कुफरी। तो कुफरी में दोस्तों यहां पर आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, आपको बहुत सारी स्नो देखने को मिलेगी अगर आप राइट टाइम पे जाते हैं, दिसंबर टू फरवरी के बीच में। तो काफी प्यारा प्लेस है, तो यहां पर आप फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं 3 टू 4 आवर्स के लिए। इसके अलावा कुफरी में कुफरी फन वर्ल्ड और वाइल्ड लाइफ जू भी है, तो अगर आपको टाइम परमिट करे तो आप इन दोनों का भी एंजॉयमेंट कर सकते हैं फुल तरीके से। नाउ दोस्तों अगर आपको जू घूमने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुफरी के आगे 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर चैल है, तो दोस्तों चैल आप जरूर जाइए अगर आपको पैलेस देखने में इंटरेस्ट है और आपको हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड देखने में इंटरेस्ट है। दोस्तों चैल में वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि आप फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ पैलेस है चैल पैलेस, जो कि बहुत ही बढ़िया पैलेस है, तो वो भी आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर चैल घूमना आपके ऊपर है, क्योंकि थोड़ा सा और आगे है शिमला के, और अगर आप शिमला के आसपास ही घूमना चाहते हैं तो कुफरी बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपको लगे कि कुफरी आप हाफ डे में कंप्लीट कर सकते हैं तो आप आगे चैल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका डे थ्री भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा कुफरी और चैल के साथ। तो वापस आप होटल आ जाएंगे शिमला में अपने, और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे जहां से आप आए हैं, या तो दिल्ली, या तो चंडीगढ़, या इंडिया के किसी और पार्ट से। तो दोस्तों ये आपका 3 डेज का प्लान होता है शिमला का। दोस्तों आई होप आपको ये प्लान पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं 2 वीडियोस और लेके आऊंगा शिमला से रिलेटेड, जहां मैं आपको बताऊंगा बेस्ट होटल, बेस्ट बजट होटल नियर मॉल रोड और नियर सेंटर अट्रैक्शन इन शिमला। और दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा शिमला में घूमने से रिलेटेड। वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो सेफ्टी से लेकर बजट से लेकर हर एक जगह पे, हर एक एरिया में आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।